देश का टेलीकॉम सेक्टर काफी समय से 5G इंतजार कर रहा है। लोगों को भी देश में 5G सर्विस का इंतजार है। अब 5G का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को अपना पद संभाला। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी साल दिसंबर तक की जाएगी। इसके साथ ही 100 दिन में 5G का ट्रायल शुरू होगा। टेलीकॉम मंत्री का पद संभालने के बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL भी उनकी प्राथमिकता में है। टेलीकॉम मंत्री ने कहा कि वो इसी कैलेंडर ईयर में स्पेक्ट्रम की नीलामी करेंगे। उन्होंने कहा कि 100 दिन में 5G ट्रायल और 5 लाख वाईफाई स्पॉट की स्थापना और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 लाख गांवों को डिजिटल गांव बनाने के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी देश में 700 गांव डिजिटल गांव हैं। चीन के टेक्नोलॉजी कंपनी हुवावे के 5G ट्रायल में भाग लेने के बारे में प्रसाद ने कहा कि इस मामले में सुरक्षा के नजरिए से देखा जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अमेरिका ने चीन की कंपनी हुवावे पर सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने यहाँ रोक लगा दी है। हालांकि हुवावे ने किसी भी देश की सुरक्षा को किसी तरह के खतरे से इनकार किया है। प्रसाद ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी को भी प्राथमिकता दी गई है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन लॉन्च किए जाने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारत नेट के विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कॉल ड्रॉप पर भी बात की। उन्होंने माना कि कॉल ड्रॉप और इंटरनेट स्पीड बड़ी समस्या बनी हुई है। कॉल ड्रॉप की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इंटरनेट स्पीड की कमी की वजह से लोगों को 4G का भी पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। 5G के साथ साथ इन दोनों मुश्किलों को दूर करने पर भी सरकार का फोकस रहेगा। कॉल ड्रॉप को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। पहले भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट को इस समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो देखना होगा कि अब देश में 5G का इंतजार कब तक खत्म होता है।